ब्राजीलियन प्लेयर बनने की कोशिश से कई सारे प्लेयर्स का सिर्फ हिलाने का स्किल बढ़ा है। हिलाना उतना बुरा नहीं है, लेकिन सुबह शाम दिन रात हिला के बैठना बहुत बुरी आदत है, गेम में भी और रियल लाइफ में भी। आज की वीडियो देखने के बाद तुम लोग हिलाने के साथ साथ घुसाना भी सीखने वाले हो, मतलब कि गैप में हेडसेट घुसाना। भाई बहुत नेगेटिव माइंड है तुम्हारा, भाई सुधर जाओ। तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। कभी देखे हो ब्राजीलियन प्लेयर डरते हुए एनिमी से? भाई ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उन लोग को पता होता है कि किस तरीके से एनिमी को हैंडल करना है, चाहे वो 1v1 हो चाहे वो 1v4 हो। जितने भी डाउट है तुम्हारे मन में मोबाइल प्लेयर्स को लेकर या फिर ब्राजीलियन प्लेयर को लेकर, आज सारा क्लियर कर देने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखना। ओके। ब्राजीलियन प्लेयर कुछ ऐसे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं जिसके चलते उन लोग को 1v4 करने में सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ आज, ट्रिक्स से लेके सब कुछ, सेटिंग्स वगैरह जो भी आता है सारा का सारा कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स से, मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रिक्स पे रखा हूँ एक ऐसा चीज जो कि सबके पास होनी चाहिए, ये चीज ना ब्राजीलियन प्लेयर के पास बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास बहुत कम होता है। चलो मैं बता ही देता हूँ। सबसे फर्स्ट में रखा है मैंने फोकस। जी हाँ दोस्तों, देखो ब्राजीलियन प्लेयर के पास कुछ ऐसे माइंड होती है जो गेम में एकदम कंसंट्रेट करके, मतलब कि हमारे पास भी सेम माइंड तो होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ हम गेम में ही होते, हमारा माइंड कहाँ पे होता है पता ही नहीं चलता। कभी समोसा खाने दौड़ता है हमारा दिमाग, कभी मोमो खाने दौड़ता है, कभी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ होता है हमारा दिमाग पता नहीं होता। लेकिन जो ब्राजीलियन प्लेयर का दिमाग होता है जब गेम खेलते हैं सेम उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ गेम में ही फोकस होता है उन लोग का माइंड। उससे क्या होगा कि आप लोग को बाहर की से कोई लेना देना नहीं है, बस एनिमी को ही मारना है, ये दिमाग में होता है। तो उससे क्या होता है कि आप लोग 1v1 क्या 1v4 इजी तरीके से मार पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग तो गेम में ही है ना, आपको पता है कि किस तरीके से हैंडल करना है। जब आप एकदम फोकस करके खेल पाओगे उस टाइम पे आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा, बाहर की चीज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेम का ही बात होगी, दिमाग में गेम का ही बात चलेगी। तो भाई आप इजी तरीके से फोकस के मदद से 1v4 इजी क्लच कर पाओगे। ये बताओ कौन कौन गेम खेलते टाइम सिर्फ तुम्हारा आंख और हाथ ही गेम में होता है, दिमाग कहीं गर्लफ्रेंड की ओर होता है, बताओ कौन करता है ऐसा? तो नंबर 2 पे आता है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम 1v4 कर सकते हो। अगर तुमको पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, भाई मैं क्या मर जाऊंगा, एनिमी को देख के कई सारे बंदे का क्या होता है कि हाथ कांपने लगता है, भाई वो पूरा पैनिक होके मोबाइल पे इतना जोर से उंगली से दबा देते है कि भाई मोबाइल पूरा वो हो जाता है, समझो वो ही हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंट लेके आना है। कॉन्फिडेंस ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कॉन्फिडेंस से आपको भाई चाहे खुद मरो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये दिमाग में होनी चाहिए, मैं एक ना एक राउंड तो बंदे को मार पाऊंगा, 1v4 मार पाऊंगा। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो जाए तो भाई आप इजी तरीके से 1v4 निकाल पाओगे, जो चीज ब्राजीलियन प्लेयर के पास कूट कूट कर भरा रहता है। ध्यान लगाओ, कॉन्फिडेंस लड़की के साथ बात करने से ही नहीं बनता, गेम में भी कॉन्फिडेंस लगाना चाहिए, तब जाके 1v4 इजी कर पाओगे, समझे हो कुछ? प्यारी समझ गई। तो बढ़ते नंबर 3 की ओर। तो मैंने रखा इधर नंबर 3 पे ट्रिक करके, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक शॉट मारते हैं ब्राजीलियन प्लेयर। तुम्हें भी पता होगा हमें भी पता है, ब्राजीलियन प्लेयर कभी स्कोप खोलकर पूरा लालम लाल मार देते, कभी बर्मुडा से परगेट्री तक मार देते MP40 से बिना कुछ ऐसे ही रेड नंबर, वो ना सब कुछ ट्रिक शॉट होता है। ब्राजीलियन प्लेयर को कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक शॉट का पता होता है जिससे भाई अजब गजब हेडशॉट मार देते, कहाँ पे मार देते हेडशॉट पता ही नहीं चलता। ऐसा चीज भी तुम लोग को आना होता है, जिसकी स्कोप ऑन करके मारना हो गया और जॉम्प शॉट हो गया और कई सारे ऐसे ट्रिक्स है जो ट्रिक्स का यूज करके तुम हेडशॉट मारोगे तो भाई ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, ऐसा ट्रिक तुम सीख पाओगे, बात ही छोड़ो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें 1v4 इजी करने के लिए। तो नंबर 4 पे आता है गन कॉम्बिनेशन। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी ब्राजीलियन प्लेयर जो मन लाए वही गन यूज नहीं करते, क्योंकि ब्राजीलियन प्लेयर के पास ये दिमाग होता है कि जब बंदा लॉन्ग रेंज पे है तो मैं उसको लॉन्ग रेंज से मारूंगा, जब शॉर्ट रेंज पे आएगा तो शॉर्ट रेंज पे, मिड रेंज पे, भाई सब कुछ का नॉलेज होता है ब्राजीलियन प्लेयर के पास। गन कॉम्बिनेशन इस तरीके से लेते कि जब 1v4 करते एक गन लेते वुड पिकर और डिजर्ट ईगल हो गया, और एक लेते MP40 UMP या फिर शॉटगन। इससे क्या होगा कि
आपका गन कॉम्बिनेशन सही होगा। लॉन्ग में बंदे को मारना होगा तो आप लॉन्ग रेंज से मार सकती हो, और शॉर्ट रेंज में आएगा तो शॉर्ट रेंज में मार सकती हो। हमारे इधर क्या होता है कि दो दो शॉटगन लेते हैं और ओपोनेंट क्या करता है कि जहां से शुरू होता है उधर से वुडपेकर से मार देता है। अब देखो ऐसा हाल है हमारा, तो तुम्हें भी क्या करना है कि गन कॉम्बिनेशन को सही करके चलाना है, तभी जाके तुम 1v4 इजी कर पाओगे। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है परफेक्ट सेंसिटिविटी। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप लोग को पता ही है परफेक्ट सेंसिटिविटी किस तरीके से रखना है, मैं हर एक वीडियो पे देता हूँ। और अभी भी आप लोग को पता नहीं है कि परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे ढूंढना है और आपके रैंक के हिसाब से परफेक्ट सेंसिटिविटी कितना होना चाहिए, तो भाई मैंने इस वीडियो पे देखो इधर स्क्रीन में आपको देख रहा होगा, इस वीडियो पे मैंने आपके रैंक के हिसाब से सब कुछ बता दिया है सेंसिटिविटी। वो वीडियो जाके देखो, आप लोग को पता चली जाएगा परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे रखना है। और सिक्स नंबर पे आता है हमारा परफेक्ट कस्टम एचयूडी। अब आप लोग को देखो कई सारे प्लेयर्स को क्या होता है कि टू फिंगर पे खेलते हैं, थ्री फिंगर, फोर फिंगर, फाइव फिंगर, सिक्स फिंगर, भाई कभी कभार तो भाई टेन फिंगर वाला प्लेयर भी देखा हूं मैं। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि ज्यादातर ज्यादा थ्री फिंगर पे शिफ्ट होना, और उससे भी ज्यादा करना चाहते हो तो फोर फिंगर पे, उससे ज्यादा फाइव फिंगर सिक्स फिंगर पे चेंज मत होना, क्योंकि थ्री फिंगर पे ही सब कुछ हो जाता है। तो ज्यादा फिंगर यूज करने की क्या जरूरत है मेरे भाई, ज्यादा फिंगर यूज करोगे तो स्क्रीन पे उंगली से ढक जाएगा स्क्रीन, तो आप एनिमी को अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को कुछ परफेक्ट कस्टम एचयूडी बनाना है। अगर आप लोग परफेक्ट कस्टम एचयूडी किस तरीके से बनाते जानना चाहते हो तो भाई ये वाला देखो, ये वीडियो भी मैंने बना के डाला हूं, देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये वाला भी आप लोग देख सकते हो परफेक्ट कस्टम एचयूडी वाला, जाके वीडियो देख लो। और नंबर सेवन पे आते हैं नो ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते ब्राजीलियन प्लेयर, एकदम शांत होकर पीस होकर आराम से खेलते। अब हमारे क्या होता है कि हम एकदम देखो इधर मैं मारने गया हूं बंदे को, ठीक है आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में इधर वीडियो पे, मैं क्या करता हूं इधर जाता हूं एक बंदे को तो मैं डाउन कर देता हूं, फिर थोड़ा बहुत डैमेज खाता हूं दूसरे को भी डाउन कर देता हूं, फिर तीसरे को भी डाउन कर देता हूं, लेकिन लास्ट वाले बंदे को मेरे क्या चुल मची रहती है। तीन बंदे को तो मैंने इस तरीके से इजी तरीके से मार दिया, लास्ट वाला तो क्या ही कर पाएगा, ऐसा चुल मचती है मुझे। और भाई मैं मारने जाता हूं तो भाई वो बंदा मेरे को ही खुद मार देता है, ऐसा नहीं करना है। तीन बंदे को मार दिया तो मार दिया, लास्ट वाले बंदे को भी एकदम ध्यान से फोकस करके उसको परफेक्टली मारना होगा तुम्हें, तब जाके तुम इजी तरीके से मार पाओगे। कभी भी अपने ओपोनेंट्स को कमजोर नहीं समझना है दोस्तों, ये करोगे तो तुम्हारा 1v4 इजी निकल जाएगा। और एट नंबर पे क्या आता है कि भाई ट्राइंग ओनली रेड नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, ब्राजीलियन प्लेयर कभी देखी हो कि बॉडी शॉट पे खेलने की कोशिश कर रहा है, भाई ऐसा कभी नहीं होता। बॉडी शॉट तो सिर्फ हम ही मारते हैं, क्योंकि हमें तो M10-14 और MAC-7 लेके जाके पूरा भर देना है 6-6 गोली, लेकिन ब्राजीलियन प्लेयर ऐसा नहीं करते, इसीलिए उन लोग का गेम प्ले भी कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो आप लोग को भी क्या करना है, ओनली रेड नंबर मारने की कोशिश करना है। अब आपको उसके लिए क्या करना होगा, नंबर 9 वाला ट्रिक को जानना होगा। नंबर 9 पे क्या आएगा, प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस एकदम बहुत जरूरी है। अब जितना भी टिप्स एंड ट्रिक बता दिए मैंने, सब कुछ आता है नंबर 9 वाला ट्रिक में, प्रैक्टिस के ऊपर। अब आप लोग को कॉन्फिडेंट की बात करो, ट्रिक का बात करो, गॉन कॉम्बिनेशन, परफेक्ट सेंसिटिविटी, ट्राइंग टू रेड नंबर, सब कुछ जितने भी मैंने ट्रिक्स बताए सारा का सारा आप लोग को प्रैक्टिस के वजह से ही परफेक्ट बन पाओगे। अगर आप लोग को प्रैक्टिस कैसे करना है आप लोग को पता नहीं है, तो आप लोग को दिन में ज्यादा नहीं बस 20 मिनट आधा घंटा ट्रेनिंग ग्राउंड में बिताना होगा, और दिन में 2-3 कस्टम रूम तो तुम्हें खेलना होगा। और अगर आप लोग हो सके तो फुल मैप भी खेलो, सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंट लेवल और एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक कुछ करने के बाद नंबर 10 पे क्या आता है पता है, अब तो मैंने इतना सब कुछ ट्रिक्स तो बता दिया, नंबर 10 पे आता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट पे बता देना है कि आप लोग कौन से फिंगर पे खेलते हो, मतलब कि कितने फिंगर पे खेलते हो, 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर 6 फिंगर, या फिर पैर से खेलते हो, तो आप लोग को चैट पे बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा वीडियो बता के जाना, बाय बाय। Let up in my DM and I sauced her. Oops, boss up. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. Real imposter, lost her. She slid up in my DM and I sauced her. Oops, boss up. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. Hold up, I got a chip on my shoulder. See this chick gone, know her. But she all up in my DM, hold up, shit. I don't really know you, no, but I know your kind. You got a scheme like Ponzo, venom hits fast, she a snake like that, though. But then you lay down flat, ho. I might be joking, but I'm trying for real. She already been inside my head, and now she going for the kill. I'll be all about the love, but her leash won't stop. And I'm all about my shit, but the top got me stuck. Now she tripping the specs, man. She took her the fake fans. She goes to me hard now, might as well call me Pac-Man. Okay, now we taking it all back, cause I never gave a fuck. Just enough to make
like it's all about the cloud. Real imposter, lost her. She slid up in my DMs and I sauced her. Oops, boss up. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, 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 cloud. Real imposter, lost her. She slid up in my DMs and I sauced her. Oops, boss up. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, cloud, cloud. She all about the cloud, like I don't get wild, though. Ain't about the money, she go with me and high, though. She will kill a puppy if that will make a viral. And she want it all without knowing her mind spinning like a spiral. Living the fame, she love the fame, she my nemesis. Sipping the glass, trying to forget, let me take a piss. Like that, trick got game, but it's rotten like Michael. Seat back lane, too fast for a snapshot. Perfect frame, but she living at a dad's loft. Priorities, fucked up indeed. She creeping with me, she sting like a bee. What? How could you figure that? Fuck that. Don't wanna tip that. What? Yeah, that's fresh, bitch. UBS, FedEx, pack it, then shit. She all about the cloud. Real imposter. Lost her. She slid up in my DMs and I sauced her. Oops, boss up.